हेलो ऑफिसर्स, अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा हुआ है कि आज के सेशन में हम एक पजल डिस्कस करने वाले हैं, जो पजल आपके एसबीआई पीओ के महामॉक में हमने देखी हुई है। एसबीआई पीओ का जो महामॉक बैंकर्स अड्डा एप्लीकेशन पे हुआ था, आई होप आप सभी ने वो अटेम्प्ट किया होगा। उसमें के सारे क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस दिन हमें सेशन आधा छोड़ना पड़ा था, इसीलिए हम वही पजल आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पजल का नंबर 26-30 है, वो पजल हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ये पूरी पजल आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जिन्होंने भी वो मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो यहीं पर पॉज करना और इसको पहले खुद सॉल्व करना और फिर आगे का डिस्कशन सुनना। ठीक है, सर स्लाइड दिखाना। ओके, चलो तो ये पजल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जरा इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, चलो सर हटा देना। देखो, ये तो हमें पजल थी, अब यही पजल हम कैसे सॉल्व कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल वे में, इसका डिस्कशन हम यहां पर करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना हाफ स्क्रीन में। ठीक है, हमें क्या दिया था कि 7 शॉपकीपर ने मंडे टू संडे तक मार्केट अपनी अपनी शॉप्स ओपन की है। ठीक है, वीक कहां से स्टार्ट हो रही थी? मंडे से। ठीक है, तो हमें यहां पर डेज की बेस बनाना चाहिए था। बेस किसको बनाना चाहिए था? डेज को। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमें क्या दिया था? वीक मंडे से स्टार्ट हो रही है एंड देन संडे पे खत्म हो रही है। 7 अलग अलग शॉपकीपर ने अपनी अपनी शॉप्स ओपन की है और उन्होंने जिस दिन पर शॉप ओपन की है उसको, मतलब उस मार्केट को उस दिन के नाम से जाना जाता है, जैसे मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को, जो भी दी है कंडीशंस, उसको हम टैकल करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? मार्केट ओपन ओन बाय एल इज नॉट ओपनड ऑन संडे। एल की जो मार्केट है वो सैटरडे को ओपन नहीं हुई है। ठीक है, मतलब सैटरडे पर एल नहीं आना चाहिए था। द मार्केट ओन बाय एल इज नॉट ओपन ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को एल नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया है हमें, जेज मार्केट ओपन ऑन वेंसडे एंड हैज 62 शॉप्स विच इज लेस दैन द नंबर ऑफ शॉप्स ऑफ संडे मार्केट। ठीक है, जे की मार्केट कब ओपन हुई है? वेंसडे को। ठीक है, और उसमें कितनी शॉप्स है? सिर्फ 62। जे की मार्केट वेंसडे को ओपन हुई है और उसमें 62 शॉप्स है। आगे पॉइंट क्या दिया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंट हमें दिया है विच इज ओनली लेस दैन द नंबर ऑफ शॉप्स ओपन ऑफ ऑन संडे मार्केट। ठीक है, संडे मार्केट से सिर्फ कम है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये कंडीशन कुछ जानी पहचानी लगती है। ओनली लेस दैन, ओनली मोर दैन, ऐसी कंडीशंस हमने कहाँ पर पढ़ी है? ऑर्डर एंड रैंकिंग में। तो यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी कुछ ना कुछ कंडीशंस मिलने वाली है, इस बात की हिंट यहाँ से लगनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड हिंट मिलने वाली है, इसीलिए क्या करते हैं हम, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला भी बेस बना लेते हैं यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला भी बेस बना लिया। यहाँ पर हमें दिया था जे 62 जो है वो सिर्फ और सिर्फ संडे मार्केट से कम है। सिर्फ संडे मार्केट से कम, मतलब जे कौन सी पोजिशन पर आना चाहिए था? सेकेंड पर। इसके शॉप कितने होने चाहिए थे? 62। कौन सी दिन में ओपन हुआ था? वेंसडे। ठीक है, और इससे पहले कौन सा आना चाहिए था? संडे। इससे पहला कौन सा आना चाहिए था? संडे, क्योंकि वो सिर्फ संडे से कम था। इतनी सारी चीजें हमें इस एक लाइन से पता चलती है। इस एक लाइन से हमें ये पता चलना चाहिए था यहां पर कि इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड भी हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस मिलने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या दिया है हमें पॉइंट में। द नंबर ऑफ शॉप्स ओपन इन संडे मार्केट इज स्क्वेयर ऑफ द नंबर ऑफ शॉप्स इन मंडे मार्केट विच इज ओन बाय पी। पॉइंट क्या दिया है? मंडे मार्केट जो पी ओन करता है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ शॉप्स है
उसका स्क्वायर होकर कहाँ आना चाहिए था? संडे में, ठीक है? मंडे का स्क्वायर बनकर कहाँ पर आना चाहिए था? संडे में। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, इस नंबर का स्क्वायर संडे में आना चाहिए था, ऐसा इस पॉइंट का मतलब दिया था हमें। इसके आगे हमें पॉइंट दिया था, द नंबर ऑफ शॉप्स इन द मार्केट ओन बाय एल इज एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द शॉप्स ऑफ मंडे एंड संडे मार्केट। पॉइंट क्या है, ध्यान से समझते हैं। जो भी एल के मार्केट में शॉप का नंबर है, एल के मार्केट में जो भी शॉप का नंबर है, वो संडे और मंडे का एवरेज होना चाहिए था। संडे और मंडे का एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? संडे प्लस मंडे डिवाइडेड बाय टू, ठीक है? तो एल का जो टोटल होना चाहिए था वो संडे मंडे का एवरेज होना चाहिए था। यहां से एक बात और क्लियर होती है ना हमें, क्या क्लियर होगी? कि संडे को जो है वो एल का शॉप नहीं आना चाहिए था। संडे मार्केट जो है वो एल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एवरेज में संडे का नंबर कंसिडर करते हैं, संडे मार्केट का नंबर यहां पे कंसिडर किया, तो ये वाला नंबर संडे को नहीं आ सकता, ठीक है? इसीलिए यहां पर ये भी कंफर्म हो जाएगा कि एल संडे को भी नहीं आएगा, ठीक है? ये चीज कंफर्म हो गई। आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। ओनली जेज एंड एम्स मार्केट हैव इवन नंबर ऑफ शॉप्स। सिर्फ और सिर्फ जे और एम के मार्केट में इवन नंबर ऑफ शॉप है। जे का फिगर तो हमें कंफर्म पता है, ठीक है? तो जे का ऑलरेडी इवन है, तो इस पॉइंट में हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन क्या थी? एम के शॉप का जो, मतलब जो भी उसके नंबर ऑफ शॉप्स होने चाहिए थे, वो क्या होने चाहिए थे? इवन होने चाहिए थे, ठीक है? तो ये पॉइंट हमें यहां से क्लियर हो जाता है। आगे हमें दिया है, केस मार्केट हैज 17 शॉप्स विच इज मोर देन ओनली द नंबर ऑफ शॉप्स ऑफ मंडे मार्केट, ठीक है? के शॉप में, के मार्केट में कितने शॉप्स है? 17, और ये जो भी नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ मंडे मार्केट से ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ मंडे मार्केट से ज्यादा, मतलब इससे कम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए था। तो के 17 जो है वो हमारी अरेंजमेंट में यहां पर आना चाहिए था, ठीक है? और इसके नीचे यहां पर क्या आना चाहिए था? मंडे, क्योंकि ये सिर्फ मंडे से ज्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब यही निकल कर आता है, और यही चीजें तो हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में देखी हुई है, ठीक है? तो यहां पर मंडे को किसका शॉप मार्केट था? पी का, पी यहां पर आ जाएगा, ओके? आगे देखो क्या दिया है हमें। आगे हमें दिया है, वन डे गैप इन बिटवीन ओपनिंग ऑफ मार्केट ओन बाय एल एंड एम। एल और एम की मार्केट में एक दिन का गैप है, ठीक है? एल और एम के मार्केट में एक दिन का गैप है। एम्स हुज मार्केट हैज शॉप्स एज मल्टीपल ऑफ 19। क्या मतलब है इसका? कि एम के मार्केट में जितने भी नंबर ऑफ शॉप होंगे वो 19 का मल्टीपल होने चाहिए थे, यानी ये जो भी इवन नंबर आएगा वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए था। बात क्लियर हो गई यहां से हमें, ठीक है? आगे देखो क्या दिया है हमें, द नंबर ऑफ शॉप्स इन द ट्यूजडे मार्केट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ मार्केट ओन बाय जे। ट्यूजडे मार्केट में जे से हाफ शॉप है, ठीक है? ट्यूजडे मार्केट ये रहा, जे की वैल्यू 62 है, तो इससे हाफ यानी ट्यूजडे मार्केट में नंबर ऑफ शॉप कितने होने चाहिए थे? 31, ओके? तो ट्यूजडे मार्केट में हमें काउंट मिल गया। आगे देखते हैं क्या दिया है, एल्स मार्केट ओपन्स बिफोर एन्स मार्केट बट आफ्टर ओज मार्केट। एल का जो मार्केट है वो आफ्टर एन्स मार्केट, एन के पहले ओपन होता है और ओ के बाद में ओपन होता है, ठीक है? एल का जो मार्केट है वो ओ के बाद ओपन होता है और एन के पहले ओपन होता है, मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है? एल के पहले ओ का मार्केट एंड एल के बाद में एन का मार्केट, ये कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। पजल खत्म हो चुकी है, ठीक है? अभी तक हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है बस हमने नोट डाउन की है, ठीक है? अब हमें देखना है कि इसको हम टैकल कैसे कर सकते थे। सर स्लाइड हटाना, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या करें, कहां से शुरुआत करें, ठीक है? अगर कुछ भी कंफर्म पता नहीं चलता है तो बस एक बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, चीजें हम कहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या करें, कौन सी कंडीशन से शुरुआत करें, या फिर किसके ऊपर दिमाग लगाए ताकि ये पजल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में चीजें रेस्ट्रिक्ट कहां पर कर सकते हैं, या फिर उस कंडीशन से जहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत कम बनेगी, ठीक है? यहां पर अगर थोड़ा सा सोचते हैं हम,
एक बात हमें पता है कि एल जो है संडे को नहीं आना था, मतलब एल यहां पर नहीं आ सकता है, ठीक है, एल यहां पर भी नहीं आएगा। एल को अगर हमें लेना होगा, अगर एल को हमें लेना होगा तो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी प्लेस पे लेना होगा, इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी प्लेस पे लेना होगा, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में एल आ रहा है, तो क्या हम एल के शॉप्स की रेंज फाइनल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अगर इन तीनों के बीच में आ रहा है तो एल के शॉप का काउंट डेफिनेटली इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, मतलब एल के शॉप का काउंट 18 से ज्यादा होगा, 17 से ज्यादा 18, ठीक है, और 62 से कम 61, तो 18 से लेकर 61 के बीच में एल के शॉप का काउंट आना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर एल की शॉप की काउंट की हमें रेंज पता चल गई, 18 तो नहीं ले पाएंगे, एल का काउंट 18 नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ जे और एम इवन था, तो एल की रेंज हमें क्या पता चलती है, 19 to 61। एल की रेंज हमें क्या पता चली, 19 to 61, इसके आसपास, मतलब इनके बीच में ही एल के शॉप की रेंज होनी चाहिए थी। अब ये रेंज तो बहुत बड़ी है, ये रेंज तो बहुत बड़ी है, पर इस रेंज से जुड़ी हुई जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जरा सोचो क्या हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं क्या? देखते हैं। मान लो मैं एल की मैक्सिमम वैल्यू 61 अज्यूम करता हूं, तो यहां से मुझे संडे और मंडे की मैक्सिमम रेंज पता चल सकती है ना, यहां से मुझे संडे और मंडे की मैक्सिमम रेंज पता चल सकती है, ठीक है। अगर मैंने एल की मैक्सिमम वैल्यू 61 अज्यूम कर ली, तो इन दोनों का मैक्सिमम टोटल इसका इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 61 into 2 122, ठीक है। संडे और मंडे का मैक्सिमम टोटल कितना आ सकता है, 122। यहां से क्या क्या हमें समझ में आता है, देखो ये तो समझ में आ गया, फिलहाल संडे और मंडे पे ही दिमाग लगाते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें पता चलती है, क्योंकि यहां से हमें एक लिंक मिल गया है, यहीं पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, संडे की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए थी, ये बात पक्की है। अब संडे और मंडे से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे और वहीं पर दिमाग लगा के चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिया था, जो भी नंबर आएगा वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज पता है हमें संडे के बारे में, संडे की वैल्यू 62 से ज्यादा होनी चाहिए थी, संडे मार्केट में जो भी वैल्यू आएगी वो 62 से ज्यादा ही होनी चाहिए थी। तो क्या पता चला हमें, 62 से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर संडे की वैल्यू होनी चाहिए, 62 से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर संडे की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहां पर जरा रेंज लिख लेते हैं क्या क्या है। 62 से बड़ा स्क्वायर 64 होता है, जो कि 8 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास यहां पर है, तो मैं ये कंडीशन यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास वहां पर है, तो ये कंडीशन मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखो यहां पर रेंज क्या क्या हो सकती है, ये जरा फाइनल करते हैं। 64 आ सकता था 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 आ सकता था, 10 का स्क्वायर 100 आ सकता था, ठीक है। क्या यहां पर 11 का स्क्वायर 121 आ सकता है, देखो क्या यहां पर 11 का स्क्वायर 121 आ सकता है कि नहीं, चेक करो। 121 अगर हमने यहां पर लिया, हमने यहां पर 121 लिया, तो यहां पर कितना आना चाहिए था, 11। 121 प्लस 11 कितना होता है, 133। 121 प्लस 11 कितना होता है, 133, और संडे मंडे की मैक्सिमम टोटल हमें अलाउड कितनी है, 122, ठीक है। ये मैक्सिमम टोटल है, मैक्सिमम अलाउड टोटल 122, ठीक है। तो 121 अगर लेते हैं तो वो मैक्सिमम अलाउड काउंट के आगे जा रहा है, और इसके आगे वाले अगर हम नंबर लेंगे तो ये वही 122 से ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज हमें पता चल गई कि यहां पर जो भी नंबर आएगा इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, रेंजेस फाइनल हो गई, ठीक है। देखते हैं यहां पर कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है क्या। अब संडे मंडे वाली कंडीशन से आगे पजल नहीं बढ़ सकती है, तो जो भी दूसरी अवेलेबल कंडीशन है उनके ऊपर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ओ एल एन एम वाली कुछ कंडीशन हमारे पास है, इसमें अगर यहां पर रिलेट करना है तो एल से कर सकते हैं, क्योंकि एल के पास रेस्ट्रिक्शन हमें पता है, एल यहां नहीं यहां नहीं, तो एल के लिए ये तीन पॉसिबल प्लेसेस इवैल्यूएट करते हैं। मान लो एल हम यहां पर लेते हैं,
एक छोड़कर एम ऊपर जाएगा नहीं, एक छोड़कर एम कंपलसरी यहां पर आना चाहिए। एल हमने यहां पर लिया, एक छोड़कर एम कंपलसरी यहां पर आना चाहिए था, ठीक है। अगर हमने एम यहां पर लिया तो क्या होता है, देखो हमें पता है ना कि एम की जो भी वैल्यू होगी वो 19 का मल्टीपल होनी चाहिए थी, एम की जो भी वैल्यू होगी वो 19 का मल्टीपल होनी चाहिए थी, और यहां पर अलाउड वैल्यू इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ आना चाहिए था। हमने ये पहले ही डिसआउट आउट कर लिया है, संडे में वैल्यू इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी, और क्योंकि एम की है 19 का मल्टीपल होनी चाहिए थी। इन तीनों में से 19 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, इसीलिए यहां पर एम नहीं आ सकता, ठीक है। कैसे फाइनल किया, यहां पर जो अलाउड तीन वैल्यू थी उनमें से कोई भी 19 का मल्टीपल नहीं है, तो एम यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो एल यहां पर भी नहीं आएगा, एम यहां नहीं आएगा मतलब एल यहां पर नहीं आ सकता। अब एल के लिए दो जगह बची थी, इसमें से एल यहां पर नहीं ले सकते थे क्योंकि एल के पहले हमें ओ लेना है, तो एल यहां पर भी नहीं ले सकते। अब जो तीन जगह थी उसमें से एक जगह एल के लिए फाइनल हो गई, इसके पहले ओ यहां पर आना चाहिए। एक छोड़कर एम ऊपर नहीं आ सकता, तो एक छोड़कर एम कंफर्म बाद में ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब बचे कौन, सिर्फ के और एन बचे, बचे कौन, सिर्फ के और एन। एल के बाद में एन यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एन फाइनल नहीं हो रहा है, के बचा है, उससे जुड़ा एक पॉइंट है हमारे पास, के नंबर ऑफ शॉप्स कितने होने चाहिए थे, 17। के 17 हम यहां तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहां पर अलाउड नंबर इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ है, के कंफर्म हो गया, ठीक है। के यहां पर कंफर्म हो गया और यहां पर एन कंफर्म हो गया, ठीक है। के कंफर्म, एन कंफर्म, यहां से सारी पजल सॉर्ट आउट हो गई। कैसे, देखो हमें पता है एक पॉइंट क्या था, सिर्फ जे और एम की वैल्यू इवन होनी चाहिए थी, सिर्फ जे और एम की वैल्यू इवन होनी चाहिए थी। तो यहां पर देखो एन की जो वैल्यू है ये इवन हो सकती है क्या, नहीं, एन की वैल्यू कंपलसरी ऑड होनी चाहिए थी, सिर्फ जे और एम इवन, बाकी सारे ऑड, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कंपलसरी ऑड। इन तीनों में ये दो तो इवन है, कैंसिल, तो एन की वैल्यू 81 फाइनल हो गई, एन की वैल्यू 81 फाइनल हो गई। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट यहां पर आना चाहिए था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये 81 है तो यहां पर क्या आना चाहिए था, 9, ठीक है। एक पॉइंट यहां से हमने जो मिटाया था क्या था, कि मंडे और संडे का जो एवरेज होगा उतने शॉप एल में होने चाहिए थे, मंडे और संडे का एवरेज जो होगा उतने शॉप एल में। 9 और 81 का एवरेज कितना होता है, 45, तो यहां पर 45 शॉप्स होने चाहिए, ठीक है। अब किसके शॉप फाइनल करना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एम का, एम की शॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, वैल्यू इवन होनी चाहिए थी और 19 का मल्टीपल होनी चाहिए थी, वैल्यू इवन और 19 का मल्टीपल, ठीक है। अब 19 के मल्टीपल इवन बहुत सारे हैं, उसमें से फाइनल कैसे करें, यहां पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है वैल्यू से रिलेटेड, देखते हैं यहां से कुछ काम हो सकता है या नहीं। देखो एम यहां पे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि एम संडे को नहीं है, संडे को कौन था, एन, तो अगर हमें एम को लेना है तो एम को यही पे लेना होगा ना, एम को अगर हमें लेना है तो एम को इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं लेना होगा, मतलब एम की रेंज के बारे में भी आइडिया आ गई हमें, एम की रेंज क्या होगी, 17 से बड़ी और 62 से छोटी, ठीक है। तो 17 से बड़ा और 62 से छोटा, ऐसा 19 का मल्टीपल जो इवन हो, चेक करते हैं। 38 यहां पे 19 तो नहीं ले सकते क्योंकि 19 क्या है, ऑड, हमें क्या चाहिए था, इवन। 19 के बाद 38 आ सकता है, 38 के बाद 19 का मल्टीपल कौन सा होता है, 57, बट वो ऑड है, नहीं ले पाएंगे। 57 के बाद 19 का मल्टीपल कौन सा होता है, 76 अगर लेते हैं तो वो 62 से बड़ा हो जाएगा, यानी एम के लिए हमने जो रेंज फाइनल की थी उस रेंज के बाहर जाएगा। यहां से आगे अगर हम मल्टीपल कंसिडर करने लगेंगे तो वो रेंज के बाहर, मतलब नहीं, एम की वैल्यू यहां पर 38 फाइनल हो जाएगी, और इस तरीके से हमें अपना पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पी ओ जे एल के एम एन, ऐसा हमारा शॉप ओपनिंग का सीक्वेंस है और उनकी वैल्यूज हमारे आंखों के सामने, ठीक है। ये पजल एग्जाम में सॉल्व करने वाली थी या नहीं थी, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ये पजल एग्जाम में स्किप करने वाली थी, क्योंकि
यहां पर अगर ये नंबर वाला लॉजिक क्लिक नहीं होता, ये रेंज फाइनल करनी है क्या करना है, ठीक है, ये जल्दी अगर क्लिक नहीं होता तो कितना भी सर फोड़ लो इस पजल के सामने, ये पजल सॉल्व होती ही नहीं, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं, मतलब क्या करना है यही ठीक तरीके से समझ में नहीं आता इसमें, है ना। तो इसीलिए ये पजल हमें एग्जाम में स्किप करनी चाहिए थी, बट क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं इस पजल का डिस्कशन बहुत ज़रूरी था, ठीक है। एक अच्छे लेवल की पजल थी, यहाँ से हम क्या क्या सीखते हैं थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन तो हमें मिल गया, इसके ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, उनका स्क्रीन शॉट लेके आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा है। देखो, पजल सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहता है कि पहले बेस बनाओ, कंडीशन को समझो और फिर कंडीशंस को रिलेट करने की कोशिश करो, पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कंडीशन रिलेट ही नहीं कर पाता है। तो हमारा दिमाग हमेशा एक बात पर कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। और यही बस इसी के ऊपर हमें अपनी कमांड बनानी है, ठीक है। तो महामॉक वन में सिर्फ हमारा एक यही क्वेश्चन बचा था, बाकी सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले सेशन में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो महामॉक वन का पूरा एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके बाद दूसरा और तीसरा भी मॉक होना है, आप में से किसी को भी ये दोनों मॉक्स मिस नहीं करने हैं। मॉक कहाँ पर दे सकते हो आप? मॉक बैंकर्स अड्डा के ऐप पर दे सकते हो, ठीक है। मॉक होने के बाद ये स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाता है, ये मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनको ज़रूर अटेम्प्ट करना और अपना परफॉर्मेंस, अपनी तैयारी किस लेवल पर है इसको जज करना, ठीक है। आने वाले दो मॉक्स भी आप पहले खुद अटेम्प्ट करोगे और उन दोनों मॉक्स के सॉल्यूशन इसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। ये क्वेश्चंस पूछे हैं इस पजल के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट, ओके हटा दो, ओके। तो ये सेशन सिर्फ इस पजल के डिस्कशन के लिए ही रखा था जो हमसे मिस हुई थी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ओके। आपको अगर अच्छा लगा है तो सेशन लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।